क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे, किसने बचाया पांडवों को डूबने से, क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य। यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी सेना एकत्रित करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद ज्यादा है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है, जहां पर मौजूद थी लंका। मंदोदरी से मिलने पहुंचे पांडव, पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यव्रत में अधर्म फैल चुका है, माता मंदोदरी से मांगी मदद, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं, स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है, वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। पांचों पांडव स्नान के लिए खोजने लगे सरोवर। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक गवाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए सरोवर पहुंची। मंदोदरी ने खोपड़ी को उल्टा कर बचाई पांडवों की जान।